महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर 2 वर्षीय विश्वव्यापी विशेष आयोजनों की श्रृंखला में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान एवं उद्योगपति सुदर्शन शर्मा की देखरेख में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर पंजाब प्रांतीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। सर्वप्रथम करवाए गए हवन यज्ञ में सभी पदाधिकारियों ने शिरकत कर आहुतियां डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सहित कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन के दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान गुरुकुल पंजाब प्रांत की शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा को उजागर किया और दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामंत्री प्रेम भारद्वाज ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा की जा रही विश्वव्यापी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं मंच संचालक की भूमिका सूक्ष्म अनु आर्य ने बखूबी निभाई। इस अवसर पर विश्व भर के इंटरनेशनल आर्य प्रतिनिधि के प्रधान सुरेश आर्य, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, उड़ीसा आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री दुष्यंत सवाई, एलपीओ से रमेश मित्तल और नरेश मित्तल, उद्योगपति नरेश शर्मा, गुरुकुल करतारपुर के प्रधान ध्रुव मित्तल सहित आर्य समाज भगत सिंह कॉलोनी जालंधर के प्रधान रंजीत आर्य, महामंत्री हर्ष लखनपाल, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र उपाध्याय, कुबेर आर्य, सुभाष आर्य, प्रेम भारद्वाज, सुधीर शर्मा, अशोक परूथी, ऋषिराज शर्मा सहित विश्वव्यापी आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और जतिन राजपूत की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी,
का हम सारे पंजाब की आर्या समाज की ओर से आज यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। महान जीर्णोद्धारक और नवजागरण के पुरोधा वैष्णव दयानंद की 200वीं जन्म जयंती और आश्रमा की स्थापना के 150 वर्ष के अवसर पर पंजाब राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन के भव्य मंच पर उपस्थित पंजाब के बहुत ही ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी और जी कैबिनेट के मंत्री श्री मोहित भगत जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वत्गण, पंजाब आदमी सभा के सभी सम्मानी पदाधिकारीगण और इस विशाल सभागार में उपस्थित काफी दूर दूर से आए हुए आठ भक्त पुरुषों, सुंदरिया मातृशक्ति और प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा स्वागत नमस्ते। मैं सर्वप्रथम पंजाब की इस पावन भूमि में जन्मे उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त, दादा राजपत राय, सरदार भगत सिंह, पंडित शेख राम आर्य, जिन्होंने आर्य समाज की क्रांति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मैं पंजाब आपकी सभा को आदेश सभा का प्रधान होने के नाते बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने आज इस विशाल आर्य सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन निश्चित रूप से पूरे भारत को प्रेरणा देगा और खासतौर से पंजाब में जो मोमेंटम इस सम्मेलन से आया है उससे पंजाब के भी सभी साधनों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और ये सफलता के तूफान को टूटेगा। इस पवित्र दिवस पर जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती मना रहे हैं, आज जलंधर में इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, अपनी श्रद्धा लेके आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आर्य समाज के जितने भी गुणी ज्ञानी विद्वान लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम कहता हूँ पंजाब की धरती पर। और सर्वदेश सभा जो है उसके प्रधान सुरेश चंद्र जी, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुदर्शन शर्मा जी, हम मेरी कैबिनेट के साथी और जलंधर वेस्ट से अभी अभी चुनाव जीतकर मंत्री बने श्री महेंद्र भट्ट जी, इस संस्था के चेयरमैन श्री रमेश मित्तल जी, श्री नरेश मित्तल जी, श्री प्रेम भातवा जी, श्री विनय जो कि दिल्ली के महामंत्री हैं, असल में इन्होंने ही मुझे एक फंक्शन में मैं गया था दिल्ली में कुछ दिन पहले, तो वहाँ मुझे मिले और इन्होंने कहा कि हमने आपको वहाँ बुलाना है। मैंने कहा जी आप इसके लिए चाहे मेरे को जो सत्ता पत्र होता है, इन्विटेशन कार्ड होता है, वो मत देना, आपने बोल दिया मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, गुरुओं पीरों की, महर्षियों की, क्रांतिकारियों की जो भूमि है
वहां पर अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, इलेक्शन भी साथ में हो जाते हैं, आ जाते हैं साथ में। तो श्री ललित मोहन जी सबका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, और साथ साथ में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपने इस गुणी ज्ञानी लोगों के बीच में मुझे बुलाया। और सब लोग जितने भी चल के आए हैं पंजाब के कोने कोने से, एक एक कदम चला हुआ आपका हमारे सर माथे पर, सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार।